आपके ऊपर आरोप लग रहा है सर कि आप स्कूटबाजी में हैं और आप ही षड्यंत्र रच रहे हैं। आइए ना कार्यक्रम में आइए, पहले कुशवाहा को साइडलाइन करें। मुख्यालय से लेकर हर प्रखंड मुख्यालय तक की पार्टी अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती मना रही है और इसका भव्य आयोजन किया गया है और उसमें सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता साथी और सभी लोग शरीक हो रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के आधिकारिक बैनरों और पोस्टरों से उपेंद्र कुशवाहा को गायब कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी के जो संसदीय बोर्ड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के पद से हटा दिया गया है, यह सवाल पूछा जा रहा है। बता दें आपको कि यह सवाल हमने पूछा है जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा से कि आखिरकार जेडीयू के आधिकारिक बैनर पोस्टरों से आज जब शहीद जगदेव प्रसाद की शताब्दी समारोह पूरा जेडीयू मना रहा है तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर क्यों नहीं है जबकि वो पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये तक कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर बड़ी टूट होने वाली है और जो उमेश कुशवाहा हैं वो गुटबाजी कर रहे हैं। ये भी सवाल उमेश कुशवाहा से पूछा गया कि आप भी नहीं चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस पार्टी में रहें। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सीधे तौर पर जो उमेश कुशवाहा हैं उन्होंने जवाब दिया है। वो जवाब में क्या दिया है वो बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन सीधे सीधे एक तरीके से कहा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन इसी को लेकर जो जेडीयू के एमएलसी हैं उन्होंने भी बड़ा आरोप लगाया है कि पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। कुशवाहा समाज जो है वो अलग तरीके से बैठक कर रही है और पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है। नीतीश कुमार जल्द से इस चीज़ में हस्तक्षेप करे नहीं तो पार्टी दो भाग में बट जाएगी। साथ ही साथ उमेश कुशवाहा ने इसको लेकर क्या जवाब दिया है जरा सुनिए ये बयान। अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती मना रहा है और पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी ये प्रदेश मुख्यालय से लेकर हर प्रखंड मुख्यालय तक की पार्टी अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती मना रही है और इसका भव्य आयोजन किया गया है और उसमें सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता साथी और सभी लोग शरीक हो रहे हैं। अब ये सब चीज पर सवाल जवाब नहीं करिए, सीधे आप लोग सब चीज समझ रहे हैं, समझे कि जो जगदेव बाबू जो चाहते थे, जगदेव बाबू का जो सपना था, जो शोषित समाज, जो उपेक्षित समाज, उसको आगे बढ़ाने का, इसको लेकर जो हम लोग ने हमारे नेता ही श्री नीतीश कुमार जी हैं जो उनके आदर्शों और उनको विचारों को लेकर चल रहे हैं। चलिए अब इस पर आइए आइए, आपके ऊपर आरोप लग रहा है सर कि आप स्कूटबाजी में हैं और आप ही षड्यंत्र रच रहे हैं। आइए ना कार्यक्रम में आइए, पहले कुशवाहा को साइडलाइन करें।